हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इन सेशंस के अंदर अपने करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर बात करें करंट अफेयर्स की तो वो रहेंगे हमारे मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मतलब ये एक साल से भी ज़्यादा के जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके प्रिलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं फॉर द 2021 एग्जामिनेशंस। क्लियर है? हम ये सारे के सारे करंट अफेयर्स को 70 डेज के अंदर कवर अप करेंगे, यानी कि बिफोर 2021 प्रिलिम्स हमारा ये सेशन प्रॉपरली अच्छे तरीके से और वेल एक्सप्लेन्ड मैनर से कवर अप कर लेंगे हम लोग इसको। अभी तक के हमने टारगेट आईएएस 2021 में स्टूडेंट्स हमने अभी तक के 14 लेक्चर्स को अटेंड किया है, जिसके अंदर हमने मार्च 2020 के करंट अफेयर्स, अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को कवर अप किया और देन हमने मई 2020 के करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारा 15th लेक्चर होने जा रहा है वो भी मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के आधार पर ही रहेगा। क्लियर है? एक और है यहाँ पे बात कि जिस भी स्टूडेंट ने ये डायरेक्टली मेरा 15th लेक्चर देख रहा है तो उसको ये भी मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप लोग 1 से 14th लेक्चर्स को भी देख लें, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला लेक्चर्स है। क्लियर है? ये सेशन लगाने के बाद कोई भी स्टूडेंट को करंट अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करम अग्रवाल, करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। अब आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ रहती है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर द जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए आपका इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है। शुरू करते हैं। यहाँ बोला गया है जो मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होस्टेड अ वेबिनार, उन्होंने एक होस्ट किया, शुरुआत की है वेबिनार की, ऑन किसके ऊपर, रिविटलाइजिंग म्यूजियम्स एंड द कल्चरल स्पेसेस। मैं यहां पे इसको पहला ही पॉइंट स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट मान रहा हूं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते रहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, वेबिनार लॉन्च किया, उसका क्या थीम था। तो प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लो, मैं डिफरेंट कलर से आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं। यही चीजें हमें यूपीएससी पूछ सकता है। और क्या रहेगा ये, रिविटलाइजिंग म्यूजियम्स एंड द कल्चरल स्पेसेस। क्लियर है? और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है स्टूडेंट्स, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल म्यूजियम डे। बिल्कुल ठीक है। यहां पे बोला द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है जो उन्होंने क्रिएट किया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंसेप्ट देख लीजिएगा, जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन बना है वो किसके द्वारा बना, वो बना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर कंडक्टिंग द वेबिनार। कंसेप्ट क्या है, जो भी वेबिनार में टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है? यहां बोला द इंटरनेशनल म्यूजियम डे अब कब बनाया गया, हर साल 18 मई को बनाया जाता है, टू रेज द अवेयरनेस, जागरूकता लेकर आनी है अबाउट द फैक्ट दैट म्यूजियम्स किसके अंदर। देखो कोई भी कंसेप्ट है, अब हम लोग ये न्यूज पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे बनाया गया, हर साल 18 मई को बनाया जाता है, अब इसके पीछे कोई ना कोई एम या ऑब्जेक्टिव तो रहता है ना, जो हमने देखना है उस चीज को, उसी पे हमने ज्यादा फोकस करना है। और इंडिया का क्या रोल है हम वो भी देखेंगे, पास्ट में क्या रोल था, प्रेजेंट में क्या रोल है और फ्यूचर को लेकर भारत क्या कदम उठा रहा है और वो कैसे देखता है, तो वो चीज हम देखेंगे। ये हर एक न्यूज के लिए माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं, 18 मई को बनाया और क्यों अवेयरनेस लेकर आनी है कि म्यूजियम्स आर एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स। बिल्कुल ठीक है। कोऑपरेशन एंड द पीस अमंग द पीपल्स। क्लियर? ये थोड़ा सा आप लोग डाटा याद रखिएगा, एक बार रिकॉल कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? आगे है, यहां लिखा द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020,
वॉज सेलिब्रेटेड। अब कंसेप्ट देखें, जो 18 मई 2020 को इंटरनेशनल म्यूजियम डे भारत ने भी सेलिब्रेट किया, उसका थीम क्या था? वो था म्यूजियम्स फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब कंसेप्ट देखें, इक्वेलिटी का हमने क्यों यहाँ पे यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे पीस था। क्योंकि जो इंटरनेशनल म्यूजियम हम लोग दिन बनाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के अंदर शांति लेकर आनी है, पीस अमंग द पीपल्स, और लोगों के बीच में आपस में कॉपरेशन बढ़ानी है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करनी है, तभी तो लिखा। ये थीम था इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्योंकि कोई भी थीम रखा जाएगा ना, अब हमने म्यूजियम डे का थीम रखा, वो थीम रखा गया म्यूजियम डे के ऑब्जेक्टिव्स पे, क्योंकि इंटरनेशनल म्यूजियम डे का ऑब्जेक्टिव और एम क्या है वो आपके सामने है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। मैं बोला कि द इंटरनेशनल म्यूजियम डे वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1977 में ये शुरू किया गया था, किसके द्वारा? बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। क्लियर? इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट रहेगा प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक चलें आगे। इवन आपका ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसका थीम आ गया यहां पे। आगे देखते हैं, यहां है आगे इसी न्यूज के अंदर, कहते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जो बनी है वो बनी थी 1946 में। अब ये इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा, फ्रांस कंट्री में। इट सर्व एज अ नेटवर्क ऑफ म्यूजियम प्रोफेशनल्स। कंसेप्ट देख लें, ये जो आपको हेडक्वार्टर मिल गया इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का, जो 1946 में बना था, उनका एक नेटवर्क है किसके ऊपर? म्यूजियम प्रोफेशनल्स के ऊपर, जिसके अंडर 35,000 मेंबर्स आ गए। कितने कंट्रीज के? 137 देशों के। ये 35,000 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, 137 कंट्रीज ने। क्लियर है? कहते एक्टिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ म्यूजियम एंड हेरिटेज रिलेटेड डिसिप्लिन्स। ये याद रखें आप लोग। भारत के लिए देख लेते हैं, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूजियम इन इंडिया, उस भारत के अकॉर्डिंग क्या है? कहते मल्टीपल मिनिस्ट्रीज होल्ड चार्ज ऑफ वेरियस म्यूजियम। बिल्कुल ठीक है कि कई मिनिस्ट्री, कई मंत्रालय क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं म्यूजियम्स का, देखरेख का, फंक्शनिंग का। Not all museums are administered by the Ministry of Culture. ये नहीं है कि भारत के अंदर सारे के सारे जो म्यूजियम्स हैं वो Ministry of Culture के अंदर सारे आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कहते उनमें से कुछ run without government support, कुछ तो private sector चला रहा है, मतलब by a handful of people under a board of trust। concept देख लें कि जो हमने एक बोर्ड मेंबर्स बना दिए वो भी म्यूजियम चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे म्यूजियम्स को भारत सरकार चला रही है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सारे के सारे म्यूजियम्स भारत के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं देखता। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहां लिखा द बजट 2020 प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन। ये आपके लिए प्रिलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत ने यह न्यूज के लिए किस तरीके से देखा कि जो 2020 का बजट आया तो भारत ने प्रपोज किया, क्यों ना हम लोग भी एक इंस्टीट्यूट बनाए जो हेरिटेज और कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करेगा, विद स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का दर्जा देना है, और उसको किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां बोला द नेशनल पोर्टल एंड द डिजिटल रिपोजिटरी फॉर द इंडियन म्यूजियम्स हैव बीन लॉन्च्ड फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ द म्यूजियम्स। ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आ गया। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां से एक डाटा एड ऑन कर लेते हैं, ये तो हमारे लिए काफी जरूरी रहता है। याद रखिएगा, डाटा मैक्सिमम जितना भी रहेगा मैं आपको सारा डाटा करवाया करूंगा यहां पर, बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। क्लियर है? तो चले यहां पे एक लिखते हैं कि नोटेबल म्यूजियम्स इन इंडिया। भारत के अंदर कुछ ऐसे जो नोटिस करने वाले म्यूजियम्स हैं, हम लोग आज उनको देखते हैं। याद रखें वो कौन कौन से हैं। नंबर वन स्टूडेंट्स, नंबर वन आपका रहेगा नेशनल म्यूजियम। वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में। एक है आपका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। फिर आता है हमारे पास स्टूडेंट्स नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल
हिस्ट्री, ये आपका स्टूडेंट्स अगेन न्यू दिल्ली में आएगा, नई दिल्ली में आपको ये देखने को मिलते हैं। ये कुछ नोटेबल म्यूजियम्स हैं किसके, भारत के, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड म्यूजियम देखते हैं हम लोग। यहां पे लिखा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। एक मिनट, थोड़ा सा क्लैरिटी से लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों ने यहां पे नोट करना होता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। यहां पे है मॉडर्न आर्ट, ये कहां पे मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको बेंगलुरु में। नेक्स्ट फोर्थ अपने पास आता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये हमारे पास देखने को मिल जाएगा कोलकाता में, क्लियर। एंड लास्ट वन हमारे पास फिफ्थ म्यूजियम कौन सा है, वो हमारे पास आ जाएगा एशियाटिक सोसाइटी, और वो रहेगा स्टूडेंट्स कोलकाता में। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे म्यूजियम्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लीज आप लोग इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए, मेन मकसद तो ये हमारा, क्लियर है। शैल वी मूव फर्दर, देखिए फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर किसी को डाउट रहेगा तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। चलते हैं हम लोग आगे, ये न्यूज हमारी ओवर हो चुकी है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम लोग। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है, इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं पहले अनाउंसमेंट कर देता हूँ, ये न्यूज काफी लंबी चलने वाली है और मैं काफी धीरे धीरे करवाऊंगा, और ये न्यूज आपकी पिछली न्यूज से देखो ना कैसे लिंक करेगी, और हम लोग करेंगे भी लिंक। चलते हैं, यहां पे आता है न्यूज इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर टू के लिए, जनरल स्टडीज पेपर टू के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है न्यूज आपको। तो शुरू करते हैं, यहां पे लिखा कि नेपाल हैज रिलीज्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप, हमारा भारत का जो पड़ोसी मुल्क नेपाल है उसने नया पॉलिटिकल मैप को निकाला, और उन्होंने वो पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या क्लेम कर दिया कि एक तो काला पानी, नंबर वन मैप में आप देखते जाइएगा स्टूडेंट्स, ये रहा आपका काला पानी, नंबर टू ये क्या रहा आपका लिम्पियादुरा, लिम्पियादुरा ये रहा आपका नंबर टू, और थर्ड इज योर लिपू लेक, ये रहा आपका ऑफ उत्तराखंड। ये तीनों जगहों को नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप के अंदर बना दिया और बोल दिया कि एज अ पार्ट ऑफ नेपाल टेरिटरी, क्लियर है। इवन यहां पे लिखा द एरिया ऑफ सुस्ता, जो कहां पे है इंडिया के अकॉर्डिंग वेस्ट चांपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में मिलेगा आपको, ये है वहां पे सुस्ता, वेस्ट चांपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, कैन ऑल्सो बी नोटेड इन द न्यू मैप। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा क्योंकि डिस्प्यूट कौन सी चीज को लेकर है, जब तक हमें वही चीज क्लियर नहीं होगी तो न्यूज बहुत क्लैरिटी से हमें नहीं पता लग पाएगी। चलते हैं, यहां बोला कि इंडिया रिजेक्टेड द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल, बिल्कुल ठीक है, भारत ने खारिज ही करना था क्योंकि कुछ हमारी जो टेरिटरीज अपनी है वो नेपाल ने अपने टेरिटरी के अंदर दिखा दी। सेइंग दैट नेपाल्स न्यू मैप इन्वॉल्व आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ द टेरिटरीज विच इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। हालांकि नेपाल ने बोल दिया कि ये जो टेरिटरीज हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एविडेंसेस के आधार पर नहीं है कि वो भारत की हैं, ठीक है, इसीलिए तो नेपाल की टेरिटरी में इनको शो किया गया। यहां पे लिखते हैं कि इंडिया हैज अर्ज्ड, भारत ने इवन नेपाल सरकार से बात भी की टू रीफ्रेम फ्रॉम सच एन अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक जो मैप बनाया गया, assertions and respect India's sovereignty and the territorial integrity, भारत ने even उनसे बात भी की है, clear है? Discussions भी काफी कई level पे discussions हुई है नेपाल के साथ। यहाँ पे बोला कि India has also asked Nepal to return to the dialogue, clear? और कहाँ पे है ये आपका? This is your Limpiadra, this is your Kalapani और this is your Lipu Lake. क्लियर है, और यहां पे लिखा कि काला पानी लिपू लेक एंड लिम्पियादुरा डिस्प्यूटेड, और यहां पे जो आपका ये कलर्ड मैप दिख रहा है ना आपको, ये जो ऑरेंज कलर आपको ये दिख रहा है शेडेड यहां पे दिख रहा है, तो यही तो एरिया डिस्प्यूटेड आ गया भारत और नेपाल के बीच में, क्लियर है। चलें आगे,
नेक्स्ट है यहाँ पे कहते नेपाल मूव कम आफ्टर द. अब नेपाल ने ये कदम कब उठाया, जब भारत ने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ मोटरेबल लिंक रोड. आपने ये मोटरेबल लिंक रोड माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, इन्हीं सेशंस के अंदर पढ़ लिया था. अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वर्बली बता दूं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा सड़क हमने बनाई है तो उसी को बोला गया है मोटरेबल लिंक रोड. तो आपको कंसेप्ट अब थोड़ा सा दिमाग शुरू हो गया होगा कि हाँ, उत्तराखंड से जो हमने मानसरोवर तक जो सड़क बनाई, रास्ते में नेपाल की टेरिटरी आई और नेपाल ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया, तो जिसके कारण ये न्यूज बनी है. और इसके लिए हम थोड़ा सा डाटा एड ऑन करते हैं यहाँ पे. अब हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है यहाँ पे, ये हमारे पास एक मिनट, ये मैं किसके लिए बताने जा रहा हूँ, इनॉग्रेटेड अ मोटरेबल लिंक रोड. स्टूडेंट्स याद रखेगा, मोटरेबल लिंक रोड के लिए डाटा एड ऑन करना है आप लोगों ने. देखिए यहां पे एक मिनट, यहां पे लिखते हैं हम लोग इनॉग्रेटेड अ मोटरेबल लिंक रोड. तो इसके अकॉर्डिंगली क्या चीज है देखते शुरू करते हैं हम लोग. यहां पे लिखा कि नेपाल हैज स्ट्रॉन्गली किसको किया ऑब्जेक्ट टू द न्यूली इनॉग्रेटेड. पहले मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, फिर हम एक बार इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे. मैं पेन का कलर फिर से चेंज कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए. इनॉग्रेटेड द लिंक रोड दैट कनेक्ट, आप ध्यान दें किस चीज को कनेक्ट करना है, दैट कनेक्ट द पिथौरागढ़. अब ये आपने वर्ड भी सुन लिया, पिथौरागढ़ जो आपको कौन से राज्य में देखने को मिला, उत्तराखंड के राज्य में देखने को मिल गया, भारत के टू लिपुलेक पास. ये आपको कहां मिल जाएगा, ये हमें नियर द चाइना बॉर्डर में देखने को मिल जाएगा. सिग्निफिकेंटली reducing the time of Kailash Man Sarovar Yatra. अब आपको I think कोई doubt नहीं होना चाहिए कि जो हमने वहां पे word use किया motorable link, वो सड़क है जो भारत ने पिथौरागढ़ उत्तराखंड से लिपुलेक जो चाइना बॉर्डर के पास है हमने बनाई कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाम से. उस पर एतराज जता दिया गया नेपाल ने, क्योंकि नेपाल बोलता है ये सड़क नेपाल की टेरिटरी में से होकर गुजर रही है, इसीलिए तो ये न्यूज आई है हमारे लिए. अब थोड़ा सा आपको लिंक अप होना चाहिए, क्योंकि आज से दो सेशंस पहले माय डियर स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ लिया था इंडिया चाइना डिस्प्यूट में, हमने इवन ये भी देख लिया था एक न्यूली रोड भी कंस्ट्रक्शन की. दो बार हमने ये पढ़ा है कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला कंसेप्ट, क्लियर है. चलें नेक्स्ट देखते हैं यहां पे, ठीक है. कहते द रोड पासेस थ्रू टेरिटरी एट द लिपुलेक पास दैट नेपाल क्लेम्स एज इट्स ओन टेरिटरी. ये हमने अभी पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है. यहां पे बोला गया इससे पहले नेपाल हैड प्रोटेस्टेड स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट इंडिया. नेपाल ने इवन भारत के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया. कहते व्हेन इंडिया पब्लिश्ड अ न्यू मैप, जब भारत ने नया मैप बनाया उसके अंदर क्या दिखाया गया कि जो काला पानी है वो भारत की टेरिटरी के अंदर आता है. नेपाल ने रिसेंटली इंडिया के ऑपोजिशन में भी खड़ा हो गया था, क्योंकि भारत ने क्या दिखाया कि काला पानी इज कंसिडर्ड एज इंडियन टेरिटरी. क्लियर है, चलें आगे. आगे चलते हैं, यहां पे बोला गया कि नेपाल हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड डिसप्लेजर ऑन द 2015 एग्रीमेंट. इवन नेपाल ने डिसप्लेजर भी शो किया था, मतलब एक तो था ना खुशी से, एक वो चीज नहीं दिखाई गई 2015 के एग्रीमेंट में जो भारत और चाइना के बीच में हुआ फॉर यूजिंग. वो क्या एग्रीमेंट था कि हम लोग लिपुलेक पास को एज अ ट्रेड के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और इवन
लिपुलेख पास को हमने ट्रेड के रूप में पास करना है, ये भारत और चाइना ने आपस में समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया विदाउट द कंसेंट ऑफ नेपाल। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारी न्यूज का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। यहां लिखा कि करंटली इंडिया एंड नेपाल हैव बॉर्डर। यहां पे देखें अगर आज की बात करें, भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो काला पानी को लेकर आया। किसको लेकर हुआ? काला पानी को लेकर हुआ, लिम्पिया दुरा को लेकर हुआ, लिपु लेक को हुआ। ये क्या है? ट्राई जंक्शन हो गया बिटवीन इंडिया नेपाल चाइना। कंसेप्ट देख लें, ट्राई जंक्शन, एक मतलब ट्राई मतलब तीन चीजें हो गई, भारत नेपाल और चाइना, और चौथा हो गया सुस्ता एरिया, वो है वेस्ट चांपरा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में। क्लियर है? एक डाटा यहां पे आप लोग काला पानी के लिए भी माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा नोट डाउन करें। यहां पे मैं अंडरलाइन करता हूं काला पानी के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय काला पानी, हम देखते हैं इसके बारे में। यहां पे लिखा कि काला पानी इज अ वैली, ये एक वैली है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड, इसको एडमिनिस्ट्रेटेड कौन कर रहा है? बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द, पार्ट किसका? ऑफ द पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरगढ़ कहां है? उत्तराखंड के अंदर, ऑफ उत्तराखंड। याद रखें, भारत ने बोल दिया कि काला पानी एक वैली है और एक पार्ट बोल दिया पिथौरगढ़ का, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक है। इवन यहां पे ये लिखा गया कि इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक, एक मिनट, बैंक नहीं आएगा, इट इज सिचुएटेड ऑन द कैलाश मान सरोवर रूट, कि कैलाश मानसरोवर रूट के बीच में रास्ते में आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां से आपकी एक रिवर भी निकलती है, वो क्या है? द काली रिवर इन द काला पानी रीजन डी मार्केट्स द बॉर्डर। ये डी मार्केट मतलब एक लाइन लगा दी, बता दिया इतना ही सा भारत का होगा, उतना ही सा नेपाल का होगा, एक डीमार्केशन लाइन लगा दी कि डीमार्केट द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। तो ये है काला पानी का डाटा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यही चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब मैं अगर बात कर लूं, व्हाट डू यू मीन बाय द रिवर काली, कोई बताएगा द रिवर काली क्या चीज है? रिवर काली इज कंसीडर्ड एज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। याद रखिएगा, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी आती है। अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में चलूं तो सब ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हो आप लोग तो इसको, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक क्लियर है कि ट्राई जंक्शन था भारत नेपाल चाइना के बीच में, सुस्ता एरिया भी हो गया जो वेस्ट चांपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में अपने को देखने को मिला। अब एक कटिंग लगाई है मैंने हेडलाइंस आप लोगों के लिए, यहां पे काला पानी है दिखा दिया, लोएस्ट पॉइंट है कितना 11,980 फीट का, हाईएस्ट पॉइंट लिपुलेख में रहेगा 20,280 फीट का जो लिपुलेख पास के नाम से। यहां पे क्या बोला गया, कहते नेपाल हैज टू ट्राई जंक्शंस विद इंडिया एंड चाइना, दो हैं, एक भारत के साथ एक चाइना के साथ। कहते द वन इज डिस्प्यूट नाउ इज लिपुलेख इन काला पानी, काला पानी के अंदर लिपुलेख है एट द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड विद नेपाल, बिल्कुल ठीक। अब बोला गया यहां पे 1816 में द सुगौली ट्रीटी साइंड बाय नेपाल एंड द ब्रिटिश इंडिया आइडेंटिफाइड काली रिवर एज नेपाल्स बाउंड्री विद इंडिया। याद रखें, अभी हमने याद किया है काली रिवर को, कि 1816 में एक ट्रीटी हुई थी बिटवीन नेपाल और ब्रिटिश इंडिया, वो ट्रीटी थी आपकी सुगौली ट्रीटी, और ये ट्रीटी के तहत हमने बोल दिया था कि जो आपका काली रिवर है
वो आइडेंटिफाई करती है बिटवीन नेपाल बाउंड्री विद इंडिया। इवन यहाँ पे लिखा नेपाल क्लेम, अब नेपाल ने क्या क्लेम किया कि द रिवर टू कालापानीज वेस्ट इज द मेन काली एंड दस नेपाल हैज टेरिटोरियल राइट टू इट। यहाँ पे बोला कि जो काला पानी से नदी निकली वेस्ट काला पानी से उसके ऊपर नेपाल का टेरिटोरियल अधिकार है। इवन उसके बाद भारत बोलता है कि इंडिया होल्ड दैट रिज लाइन टू काला पानी ईस्ट इज द बॉर्डर दस काला पानी फॉल्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो काला पानी भारत की टेरिटरी में आता है, तो क्लियर है, चलते हैं आगे आता है काला पानी, इसको देखते हैं। यहां पे लिखा एक सेकंड, ये बोलते हैं कि काला पानी इज अ वैली, एक वैली है दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंडिया अभी देखा एज अ पार्ट ऑफ इट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड ऑन द कैलाश मानसरोवर, ये अभी हमने पढ़ कर चुके हैं। यहां लिखा है कि काला पानी इज एडवांटेजियसली लोकेटेड एट द हाइट ऑफ, कितनी ऊंचाई पर आपका काला पानी 20,000 फुट की ऊंचाई पर आपका बैठा है ये काला पानी एंड सर्व्स एज अ ऑब्जर्वेशन पोस्ट फॉर दैट एरिया। हम जितनी हाइट पर रहेंगे और वहां से हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, तभी तो वर्ड यूज करते हैं कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, ठीक। यहां बोला द काली रिवर इन द काला पानी रीजन डीमार्केट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये हमने अभी देख लिया था 1861, कौन सा था ये 1816 था, कौन सी ट्रीटी, सुंगौली ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी है ये आपकी 1861 में आती है सुंगौली ट्रीटी, जिसने बता दिया भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर है काली रिवर को लेकर, ये हुई थी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, यहाँ पे लिखा ही है। कहते द ट्रीटी ऑफ सुगौली साइंड बाय, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपके लिए बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको प्लीज अंडरलाइन करके रखा करो, अंडरलाइन करके रखो आप लोग, क्योंकि इसी तरीके का डाटा यूपीएससी पूछेगा आपको। याद रखिए आप कितना बैकग्राउंड में जा रहे हो, आप खुद सोच लें कि सुगौली ट्रीटी हुई है बाय द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के राजा में एंड ब्रिटिश इंडिया आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर इन 1816 लोकेटेड द काली रिवर एज द नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया, कि जो नेपाल की वेस्ट वाली बाउंड्री है भारत के साथ वो काली रिवर से शुरू होती है। 1816 में ट्रीटी साइन हो गई थी, वो ट्रीटी है सुगौली ट्रीटी, क्लियर, चलते हैं आगे। यहां पे आगे आता है द डिस्क्रिपेंसी इन लोकेटिंग द, अब क्या है, सोर्स ऑफ काली रिवर लीड टू द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब यहां पे डिस्क्रिपेंसी किसके बीच में होगा, काली रिवर के सोर्स को लेकर, जहां से काली रिवर का जन्म हुआ, जहां से पानी बहना शुरू हो गया, वहां की बाउंड्री के बीच में भारत और नेपाल को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। कहते विद ईच कंट्री प्रोड्यूसिंग मैप सपोर्टिंग देयर ओन क्लेम, ठीक। अब सुस्ता रीजन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सुस्ता रीजन, ये बोलते हैं द चेंज ऑफ कोर्स बाय द गंडक रिवर इज द मेन रीजन फॉर द डिस्प्यूट इन द सुस्ता एरिया, इंपॉर्टेंट। आपकी गंडक है स्टूडेंट्स, क्या है आपकी गंडक, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, और ये रहा आपका सुस्ता रीजन, ठीक है ना। कहते सुस्ता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक, इट इज कॉल्ड नारायणी रिवर इन नेपाल एंड ज्वाइन द गंगा नियर पटना बिहार, अगेन इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आपको पॉइंट भी बता दिया, जो गंडक नदी है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है वो पटना बिहार में जाकर गंगा को मिलती है, और ये गंडक नदी को हम लोग नेपाल में क्या बोलते हैं, नारायणी रिवर, क्लियर है यहां तक, चले आगे। देखे कोई भी डाउट है ये न्यूज को लेकर तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि तभी पता लगेगा कौन से स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है, मैं नेक्स्ट सेशन में वही डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, ओके। हम लोग आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। अब आता है नेपाल का स्टैंड क्या है ये डिस्प्यूट को लेकर, यहां बोला काली रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्ट्रीम्स एट लिंपियाधुरा, अब जो काली नदी है गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो ओरिजिनेट होती है लिंपियाधुरा से, वो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ लिपू लेक, लिंपियाधुरा कहां पे प्रेजेंट है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ लिपू लेक, ठीक है। दस काला पानी एंड लिंपियाधुरा एंड लिपू लेक फॉल टू द ईस्ट ऑफ रिवर, अब इसके तहत क्या हो गया, जो आपके तीन एरियाज हैं, काला पानी हो गया, लिंपियाधुरा हो गया, लिपू लेक हो गया, ये
काली नदी के ईस्ट डायरेक्शन में पड़ते हैं सारे, तो इसी के तहत, यही ईस्ट डायरेक्शन के तहत ये पार्ट बन गए नेपाल धारचुला डिस्ट्रिक्ट के। ये आप लोग याद रखें कि नेपाल किस अकॉर्डिंगली बोल रहा है कि दीज एरियाज आर कंसीडर्ड एज द नेपाल टेरिटरीज। तो वो कंसेप्ट है कि ये तीनों, काला पानी हो गया, लिपियादुरा हो गया, लिपू लेक हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, तो ये तीनों काली नदी के ईस्ट में पड़ गए, तो हमने बोल दिया कि नेपाल के जो धारचुला डिस्ट्रिक्ट है वो तीनों उसके हिस्से हो गए। यहाँ पे बोला हिस्ट्री की बात करते हैं, कहते हैं लिपू लेक वॉज डिलीटेड फ्रॉम द कंट्रीज मैप, इवन लिपू लेक को नेपाल के कंट्री मैप से डिलीट कर दिया गया था बाय द किंग, राजाओं की तरफ से, टू गेट फेवर फ्रॉम इंडिया, ताकि वो लोग भारत से मदद ले सकें, एक हेल्प ले सकें, फेवर लेना था भारत से। यहां बोल दिया अब काला पानी की टेरिटरी है जो वॉज ऑफर्ड टू इंडिया, तो वो काला पानी का जो हिस्सा है वो ऑफर किया गया था भारत को किसके द्वारा, बाय द किंग महिंद्रा, बाय द किंग महिंद्रा आफ्टर द 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1962 की जो भारत चाइना की लड़ाई थी उसके बाद किंग महिंद्रा ने काला पानी वाला हिस्सा भारत को ऑफर किया था। हु वॉन्टेड, क्यों, देखो इसके पीछे भी कोई कारण था, हु वॉन्टेड टू हेल्प इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न ड्यू टू द परसीव्ड लिंगरिंग चाइनीज थ्रेट। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये बोलते हैं कि काला पानी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपाल इंडिया डिस्प्यूट, इट वॉज नेपाल्स टेरिटरी दैट द किंग हैड अलाउड इंडिया टू यूज टेम्परेरी। नेपाल बोलता है कि काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, हालांकि नेपाल की टेरिटरी का ही पार्ट है काला पानी, बट हमने भारत को टेम्परेरी यूज करने के लिए दे रखा है, वो चीज नेपाल बोलता है, यहाँ पे लिखा है सेकंड लास्ट पॉइंट में। नेक्स्ट है द न्यू मैप, अब जो नेपाल ने निकाल दिया ये नया मैप, इज इनफैक्ट अ डॉक्यूमेंट दैट वॉज इन सर्कुलेशन इन नेपाल टिल द 1950s। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक आगे बढ़े। अब भारत का भी स्टैंड देख लेते हैं हम लोग, कहते जो काली रिवर है ऑरिजिनेट की स्प्रिंग्स वेल्स बिलो द लिपू लेक पास एंड सुगौली ट्रीटी जो 1816 में हुई थी डज नॉट डीमार्केट द एरिया नॉर्थ ऑफ दी स्प्रिंग्स, बिल्कुल ठीक है। कहते द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ 19th century, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड है 19th century का, वो भी दिखाता है कि काला पानी वॉज ऑन इंडिया साइड, और नेपाल बोलता है कि ये तो काला पानी नेपाल का हिस्सा है बट हमने भारत को टेम्परेरी यूज करने के लिए दे रखा है। क्लियर, एंड काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब मैं यहां पे आपको, सबसे पहला वर्ड था मोटरेबल रूट, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मोटरेबल रूट जो आपका ये येलो कलर से जा रहा है कहां पे, माउंट कैलाश तक, हमने क्या बोल दिया था कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट। तो आप लोग देखें रास्ते में क्या आ गया, काला पानी आ गया, ठीक है, और ये रहा धारचूला, ये क्या है, ये आपका नेपाल का हिस्सा आ गया, ठीक, ये आ गया लिपू लेक। आप कंसेप्ट देखें ध्यान से, मैं एक बार सारा क्लियर कर देता हूं, ये रहा काला पानी और ये रहा लिपू लेक, तो इसी के कारण तो नेपाल ने डिस्प्यूट शुरू कर दिया था विद इंडिया। क्लियर है, तो अब पता लगा पहली की न्यूज, आने वाली न्यूज आपस में किस तरीके से कोरिलेशंस में रहती है, और ये न्यूज में हमने इतना फोर्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इससे पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग कर ली है भारत ने किस तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा बनाई है, सड़क बनाई है, और उसको लेकर चाइना के साथ भी इवन डिस्प्यूट हो गया था हमारा। क्लियर, और अब नेपाल ने भी कर दिया था, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। अब इसका एफर्ट्स टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट वो क्या है, कहते 1980 के दशक में टू साइड सेटअप जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप टू डिलिनिएट द बाउंड्रीज, बिल्कुल ठीक है। द ग्रुप डीमार्केटेड एवरीथिंग, इन्होंने सारा का सारा एरिया को डीमार्केट कर दिया सिर्फ दो चीजें छोड़कर, काला पानी और सुस्ता एरिया को। यह बोला ऑफिशियली नेपाल ब्रॉट द इश्यूज ऑफ काला पानी बिफोर इंडिया इन 1998, बिल्कुल, बोथ साइड्स एग्रीड टू डीमार्केट द आउटस्टैंडिंग एरियाज इंक्लूडिंग काला पानी बाय द 2002 में,
at the prime ministerial level talk held in 2000, but that has not happened yet. क्लियर है? तो ये तो है हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्वकता बनी रहे और किस तरीके से हमने एफर्ट्स भी लगाए वो आपके सामने एक बना दे, जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाया था हमने. क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है रीस्टार्ट प्रोग्राम फॉर द MSMEs. क्लियर है? ये MSMEs होते क्या है देखते हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बोला गया. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा GS पेपर 3 के लिए, जनरल सर्विस पेपर 3 के लिए. ये स्टूडेंट्स आपको काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इकोनॉमी को लेकर है ये वाला हमारा. ठीक है ना? तो चलें, या बोलते हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है रीस्टार्ट टू सपोर्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्टेट. लॉन्च किया गया स्कीम को जिसका नाम है रीस्टार्ट. कहते हैं द गवर्नमेंट, अब आंध्र प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का खर्चा किया है ऑन द राइवल ऑफ द सेक्टर विच इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 98,000 यूनिट्स. तो 1100 करोड़ रुपए का सरकार की तरफ से खर्चा करके 98,000 यूनिट्स को बेनिफिट मिल जाएगी, इसी के कारण हमने ये रीस्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया आंध्र प्रदेश में. क्लियर है? और ये प्रोवाइड क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट मोर देन 10 लाख पीपल को. बिल्कुल ठीक है. अ स्पेशल फंड ऑफ 200 करोड़, 200 करोड़ का एक स्पेशल फंड भी, इनपुट कैपिटल लोन टू फर्म्स एट द लो इंटरेस्ट रेट पे भी प्रोवाइड किया गया. या बोला द मिनिमम पावर डिमांड चार्जेस ऑफ MSME फॉर द, ये कंसेप्ट देखें, मिनिमम पावर डिमांड चार्ज किए गए MSME के, वो कौन सा महीना था, अप्रैल मई जून, ये COVID-19 का जो पीक था उस महीने की बात की गई है. अमाउंट कितना था, 1,8800 करोड़ टू बी वेव्ड ऑफ. कंसेप्ट देख लें आप लोग. या आगे है कि द गवर्नमेंट विल परचेज अराउंड 360 प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ही क्या करना है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट को सेल परचेज करना है और आगे सेल करना है. इससे MSME को बहुत बेनिफिट मिलेगा. ये लिखा है कि 360 प्रोडक्ट्स हमने परचेज किए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से एंड पेमेंट्स टुवर्ड इट वुड बी क्लियर्ड इन 45 डेज. तो 1.5 महीने के अंदर हमें पेमेंट भी करनी है. ये सरकार की नीति थी अंडर द स्कीम ऑफ रीस्टार्ट. ठीक है, चले आगे. अब इंपॉर्टेंस क्या रहती है MSME की, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की इंपॉर्टेंस क्या है. कहते हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है, जो मतलब सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं किसके अंदर, ऑब्वियस एम्प्लॉयमेंट के अंदर. और सबसे पहला कौन है, एग्रीकल्चर है. और दूसरा कौन है स्टूडेंट्स, हमारा MSME. मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा. फिर आती है MSME. इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 120 मिलियन पर्सन इन इंडिया. 120 मिलियन लोगों को ये रोजगार देते हैं पूरे भारत में. क्लियर? आगे चलें. यहां पे लिखा विद अराउंड 36.1 मिलियन यूनिट्स, 36.1 मिलियन यूनिट्स MSME के भारत में अगर हैं थ्रू आउट द ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द कंट्री, MSMEs कंट्रीब्यूट अराउंड 6.11% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग GDP. कंसेप्ट देख लें, GDP का मैन्युफैक्चरिंग कितना हिस्सा, 6.11% MSME से आ रहा है एंड 24.63% ऑफ GDP फ्रॉम सर्विस. कंसेप्ट ये है, अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की तो 6.11% GDP MSME के लिए आ रही है, MSME की तरफ से आ रही है. और ऊपर से अगर मैं सर्विस सेक्टर की GDP की बात कर लूं तो 24.63% GDP जनरेट की जा रही है MSME की तरफ से. तो आप लोग देख लें कि कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. क्लियर? यहां लिखा इट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 45% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट. भारत अगर एक्सपोर्ट में ज्यादा है तो वो 45% MSME के कारण है. हमने ये भी न्यूज पढ़ी थी आत्मनिर्भर भारत, कि भारत अब इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट अगर ज्यादा करे तो इसका मतलब हमें MSME पे ज्यादा वर्क करना होगा, इसको और मॉडर्नाइजेशन करना होगा, इसकी और हेल्प करनी होगी हिस्टोरिकली. क्लियर है? चले, यहां लिखा MSME प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. बिल्कुल ठीक है. अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में, स्पेशली वो लोगों को जो वर्क, जो वीकर सेक्शन से हैं,
रूरल एरियाज के वो लोग जो वीकर सेक्शन हैं, क्लियर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रिटेल बिजनेस इन द टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू यूज बैंकिंग सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट्स. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है यहाँ पे स्टूडेंट्स. चलते हैं फिर भी. अब ये क्या चीज है यहाँ पे, एक डाटा है मेरे पास, पढ़ते हैं. स्मॉल इज बिग क्या है, कहते $750 million पैकेज फॉर द लिक्विड सपोर्ट मेजर हो गया, सपोर्ट अंडर डेवलपमेंट पॉलिसी लोन अ डायरेक्ट बजट सपोर्ट हो रहा है. इवन आप लोग ये देख ले 2.75 billion वर्ल्ड बैंक टोटल COVID-19 पैकेज फॉर इंडिया यहां पे है. द गवर्नमेंट हैज पिगी बैंक कंसेप्ट, देखें पिगी बैक्ड ऑन गारंटेड सिस्टम टू डी रिस्क लेंडिंग टू द MSMEs. कि क्या बोल दिया, पिगी बैक्ड बोल दिया यहां पे. By de-risking, the government is taking on a bit of risk themselves, and in time of crisis, this is exactly what you want the government to do. ये कहना है जुनेद अहमद जी का, World Bank country director in India. Clear? कोई दिक्कत तो नहीं है. तो concept देखें, उन्होंने क्या बोल दिया, the government has piggybacked on guaranteed system. MSME को क्या बोला गया यहाँ पे, clear है? अ प्रॉब्लम फेस बाय MSMEs इन इंडिया, भारत के अंदर MSME को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, देखते हैं. कहते हैं बीइंग आउट ऑफ फॉर्मल नेटवर्क दीज MSMEs डू नॉट हैव टू मेंटेन अकाउंट. ये अपना अकाउंट नहीं मेंटेन कर पा रहे, पे टैक्सेस और एडहेयर टू रेगुलेटरी नॉर्म्स एटसेट्रा विच ब्रिंग डाउन देयर कॉस्ट. तो इसी के कारण इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है. अगर मैं बात करूं इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस, मतलब COVID-19 की अगर बात की जाए, इट ऑल्सो कॉन्स्ट्रेन्स अ गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू हेल्प देम. बिल्कुल ठीक है, अब ये चाहिए कि भारत सरकार को इनकी मदद की जाए. यहां बोला 2018 की रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, वो है वर्ल्ड बैंक का पार्ट. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. तो ये क्या बोलते हैं, द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम सप्लाइज लेस देन 1/3 of the MSME credit need that it can potentially fund. मतलब कितना, 11 lakh crore का. Clear? एक डाटा यहां पे देख लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को लेकर. स्टूडेंट्स एक मिनट, ये क्या चीज है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, ये किसका, ये पार्ट है वर्ल्ड बैंक का. तो इसके बारे में क्या चीज आई है, कहते इज द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन. वो फोकस किसको करेगा, फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द प्राइवेट सेक्टर, याद रखें, इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन द डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. अगर मैं और भी यहां पे बात करूं, अगर मैं आपसे ये भी डिस्कस करूं, हमने लिखा ना कि पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये है क्या चीज, कहते इट इज अ प्राइवेट सेक्टर है ये आपका. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज अ प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक. क्लियर, यहां पे याद रखना प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का, कोई डाउट तो नहीं है. चलें आगे फर्दर, नेक्स्ट देखते हैं. यहां पे हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है स्टूडेंट्स, एक मिनट, उससे पहले एक मिनट, आई एम सॉरी, एक डाटा और देख लेते हैं एमएसएमई को भी लेकर. कि जो हमने लिखा है ना कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इसको थोड़ा डिफाइन कर ले, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो. तो मैं यहां पे थोड़ा सा आपको टेबल बना देता हूं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं. एक मिनट, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स. यहां पे लिखते हैं माइक्रो, क्लियर है, मैं टेबल बना रहा हूं.
प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। एक बेसिक्स है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। माइक्रो हो गया अपने पास, फिर आता है मेरे पास मीडियम, और इन बिटवीन हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे स्मॉल। क्लियर है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी की जा रही है, और अगर यहां पे किया जाए टर्नओवर, तो टर्नओवर कितना है। अगर मैं बात करूं माइक्रो के लिए, तो हम लोग माइक्रो के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हम माइक्रो के अंडर आ जाए, 1 करोड़ तक की हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए माइक्रो के लिए, और टर्नओवर हमारा रहना चाहिए 5 करोड़ का। तो हम लोग बोल देंगे कि माइक्रो एंटरप्राइजेस है। और अगर मैं स्टूडेंट यही बात कर लूं स्मॉल की, तो मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा 10 करोड़ का। क्लियर है? और मेरी टर्न ओवर रहेगी 50 करोड़ की, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया आपने, 10 गुना माइक्रो से स्मॉल में 10 गुना का फर्क आ रहा है। अगर मैं बात कर लूं मीडियम की, तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 20 करोड़ की, और टर्न ओवर हमारे पास होना चाहिए 100 करोड़ का। क्लियर है? तो ये डबल से डबल हो रहा है, डबल से, ये माइक्रो से स्मॉल आना है डबल हो रहा है, स्मॉल से मीडियम आ रहा है तो भी डबल हो रहा है आपका। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट न्यूज आती है स्टूडेंट्स हमारी हीट वेव्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द जीएस पेपर 1। क्लियर है? तो शुरू करें यहां पे, यहां पे लिखा कि द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज फोरकास्टेड द हीट वेव टू स्वेयर हीट वेव कंडीशंस। कंसेप्ट देख लें, हीट वेव से स्वेयर हीट कंडीशन वेव हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल एंड द एडजॉइनिंग पेनिनसुलर इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा हो गया आपका? ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। क्लियर है? सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ये लोग, एडजॉइनिंग पेनिनसुलर, उसके साथ जो भारत का पेनिनसुलर हिस्सा है वहां पे भी, अलॉन्ग विद हैवी रेन ओवर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको पता ही है, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, 7 सिस्टर्स की बात की गई है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं कि मेनी पार्ट्स ऑफ द कोस्टल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल पार्ट्स रहते हैं, ओडिशा के, महाराष्ट्र के, हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन द टेम्परेचर अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों हुआ? जो हीट वेव कंडीशन ट्रिगर हो चुकी है, ये डाटा आप लोग याद रखें। कहते हीट वेव हैज बीन ऑब्जर्व्ड ड्यू टू ड्राई नॉर्थ वेस्टली विंड्स। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग जो हीट वेव को देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो क्यों है? नॉर्थ वेस्टली विंड्स के कारण। और वो कहां पे रहती हैं? नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में आपको मिलेंगी, प्रिवेलिंग लिखा हुआ है ना। क्लियर? यहां लिखा अ हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा, मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है, that occurs during the summer season। concept देखें, summer season में हो रहा है, और north western and the south central part of India, कहाँ पे देखने को मिला? north west part और south central part में आपको ये heat wave आपको ज़्यादा देखने को मिल गई। और यहाँ पे लिखा कि abnormally high temperature, normal से temperature ज़्यादा हो गया, ठीक? कहते heat waves typically occur between March and June, हम लोग इसको लू भी बोलते हैं, and in some rare cases even extend till July। clear है? यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं एक study आई, says temperature in Arctic region, Arctic region का है आपका, northern hemisphere में आपको देखने को मिलेगा, is increasing more than twice, मतलब double rate से temperature बढ़ रहा है, as fast as global average, global warming impact on the Arctic, अब global warming जो effect डाल रही है Arctic region पे, उसके कारण रिजल्ट क्या निकल रहा है कि हीट वेव्स इन इंडिया इंक्लूडिंग तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स और मेंस दोनों लगा लो माय डियर स्टूडेंट्स, कि आर्कटिक रीजन पे ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण उसका इफेक्ट जो हीट वेव हमें भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पार्ट में देखने को मिले। रिसर्चर्स ने यह भी बोल दिया, डेवलप अ मैकेनिज्म टू प्रिडिक्ट हीट वेव इन इंडिया 4 डेज इन एडवांस टू हेल्प सेव लाइव्स। 4 दिन पहले हम लोग पता लगा लेंगे कि आगे हीट वेव कितना चलने वाली है। यहाँ पे लिखा कि अ बिग रिस्क टू द थर्ड वर्ल्ड नेशन, हीट वेव इन इंडिया अकर ड्यूरिंग बोरियल स्प्रिंग मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई, ठीक है, देयर इज अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ हीट वेव, बिल्कुल ठीक है, वो कितना है? कहते 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज करंटली एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। याद रखें, फेवरेबल फॉर mortality at least 20 days a year,
यहाँ पे लिखा एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग अंडर बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो वुड लाइकली इंक्रीज लाइक हीट वेव रिलेटेड डेथ। कहते जो अब डेथ हो रही है वो हीट वेव के कारण भी हो रही है इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेयर मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज आर स्कार्स। कमी है, ठीक है, चले आगे। डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसको नोट डाउन जरूर करके रखें। ये लीजिए मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे भी डाटा, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करें, क्लियर है। चलते हैं फर्दर मूव करते हैं। कहते द हीट वेव इज कंसीडर्ड व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 डिग्री जो मैदानी इलाका होगा तब, और हिली एरियाज में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका पहुंच जाएगा। कहते नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, देन इंक्रीजेस ऑफ 5 to 6 डिग्री सेल्सियस, 5 से 6 डिग्री तक का तापमान बढ़ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर से, तब बोलेंगे कि हीट वेव कंडीशन शुरू हो चुकी है, याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखें कि नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है एक स्टेशन का मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, अब उसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो गया 4 से 5 डिग्री का, नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, तब हम लोग हीट वेव बोल देंगे। फर्दर इंक्रीज अगर इससे भी ज्यादा 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस से भी अगर 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया या उससे भी ज्यादा हो गया, तब हम लोग क्या बोल देंगे, सवेयर हीट वेव कंडीशन। ये आपके लिए प्रिलिम्स में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने कैटेगरीज डिवाइड कर दी स्टूडेंट्स, ठीक है। एडिशनली अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन 45 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज्यादा irrespective of normal maximum temperature, a heat wave is declared. Clear है यहां तक? चलें। यहां बोला the health impact. अब सेहत पे इसका क्या असर होता है? Dehydration होती है, heat cramps पड़ते हैं, heat exhaustions होते हैं और heat strokes भी होते हैं। It causes heat cramps, fatigue, weakness, dizziness, headache, nausea, vomiting, muscle cramps and sweating. अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमने सबसे पहले न्यूज में इसी न्यूज में देख लिया था, वो बना था 1875 में। ये एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम कर रही है आपकी, 1875 में बनी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आ गई, ठीक है। कहती इट इज अ प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? प्लीज कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपको पता है। आगे चलते हैं, फर्दर नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है, कहते दो स्टबल बर्निंग इन पंजाब, ये इंक्रीज हो रही है, वो क्या है इंक्रीज स्टबल बर्निंग इन द पंजाब, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए, याद रखें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पीसीएस में भी इंपॉर्टेंट रहता है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए। कहते पंजाब हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग वंस अगेन डिस्पाइट द गवर्नमेंट एफर्ट टू कंट्रोल द प्रैक्टिस। बिल्कुल ठीक है। अब बात की जाए, टोटल 13,026 इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले 2020 में, याद रखें 2020 में हमें कितने स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट देखने को मिले, 13,026। और अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले साल की 2019 में, तो हमें मिल गए थे 10,476 इंसिडेंट्स, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। और 2011 में 11,236 हमें इंसिडेंट्स देखने को मिल गए थे, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा। द बैन एंड एक्शन अगेंस्ट पीपल बर्निंग द क्रॉप रेजिड्यू, वो कौन से एक्ट के अंदर आता है? वो आता है एयर एक्ट, मतलब प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ प्रोविजंस, जिसको बोलेगा एयर एक्ट 1981। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? चले आगे। यहां बोला गया कि द स्टबल बर्निंग कॉजेज डिजीज, ये बीमारी लेकर आती है, सच एज प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, अस्थमे के लिए सबसे प्रॉब्लम रहता है आपका स्टबल बर्निंग अस्थमेटिक पेशेंट्स को, लंग्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, डस्ट पार्टिकल्स आपके एयर के अंदर मैक्सिमम आ जाते हैं, विच कुड ऑल्सो अफेक्ट द रिकवरी ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19। बिल्कुल ठीक है। स्टबल जिसको प्राली बोला गया, बर्निंग इज द एक्ट ऑफ सेटिंग फायर, ये बेसिकली है क्या चीज स्टबल, ये प्राली रहती है, हम क्या करते हैं आग लगा दी गई
जो फसल के बाद उसके अवशेष बचे, टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड टू सो द नेक्स्ट क्रॉप, ताकि अगली फसल के लिए हम लोग अपना खेत तैयार कर लें। क्लियर है? चलें आगे। यहां लिखा स्टबल बर्निंग के अंदर ही कि द स्टबल बर्निंग एमिट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स में, बहुत डाटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। जब स्टबल बर्निंग होती है तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, सच एज मिथेन गैस CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग एक और नजरिए से पढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं द मेन पॉल्यूटेंट एमिट बाय द व्हीकल्स, व्हीकल से निकलने वाला धुआं और स्टबल बर्निंग से होने वाला धुआं में, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा रहता है और बहुत हार्मफुल है। उसके बाद लिखा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC एंड कार्सियोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, प्लीज इसको अंडरलाइन करो कि गैसेस कौन कौन से हैं। क्लियर है? मिथेन आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, वॉक आ रहा है, कार्सियोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी आपको देखने को मिलेगा स्टबल बर्निंग के धुएं से। ठीक है, ये एमिट कर रहे है? कहते आफ्टर रिलीज इन द एटमोसफेयर दीज पॉल्यूटेंट्स disappear in the surrounding, may undergo a physical and the chemical transformations, बिल्कुल ठीक, and eventually adversely affect the human health by causing a thick blanket of smog। याद रखें, और ये smog सिर्फ पंजाब में ही problem create नहीं करेगी, हरियाणा में भी stubble burning बहुत रहती है, और even आपका neighbor Delhi भी इससे बहुत ज़्यादा face करता है। ये local winds जो लेकर चलती हैं आपकी smog को आगे तक travel करवा देती हैं। यहाँ लिखा the burning of wheat straws reduce the soil fertility, even आपकी जो मिट्टी की fertility है वो भी कम हो जाती है, besides polluting the environment। अगर environment का concept एक second के लिए रोक दें हम लोग। Next बोला, additionally इसके और भी अगर add on करें, heat generate जो होती है stubble burning के कारण penetrate in the soil, मिट्टी के अंदर, leading to the loss of moisture and the useful microbes, again important point। जो सॉइल के अंदर नमी रहती है जिसको बोलते मॉइस्चर, वो भी खत्म होता है स्टबल बर्निंग के कारण स्टूडेंट्स आपका। चलें, नेक्स्ट आया, कहते द स्टबल बर्निंग कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई ग्रेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, कंसेप्ट देख लें, बाय मिक्सिंग विद काउडंग एंड द फ्यू नेचुरल एंजाइम्स, हम लोग यूज कर सकते हैं, ये मेथड्स है हमारे पास। इवन यहां लिखा द स्टबल बर्निंग कैन बी कन्वर्टेड टू द बायो कोल एंड ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हम लोग बायो कोल बनाने में भी स्टबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी। ये कंसेप्ट क्या चीज है माय स्टूडेंट्स, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जस्ट गिव मी वन मिनट, देखते हैं यहां पे। अब ये क्या चीज है, यहां पे बोला ना कि बायो कोल की बात कर लिया आप लोगों ने, बायो कोल के अंदर क्या है कि भारत आपका टेस्ट कर रहा है, इंडिया टेस्टिंग, एक मिनट, स्वदेशी टेक्नोलॉजी, वो क्या चीज है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स, वो आपकी रहती है टॉरेफेक्शन, वो क्या करती है दैट कन्वर्ट राइस स्टबल इनटू बायो कोल। आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, कौन सी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, टोरेफेक्शन। क्लियर है? अब ये क्या चीज है, ये कंसेप्ट कहां पे अब लगा, कहते गवर्नमेंट फंडेड अ पायलट प्रोजेक्ट, भारत ने, सॉरी सरकार ने पैसा भी दिया ये टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, गवर्नमेंट फंडेड अ पायलट प्रोजेक्ट, कहां पे, एट द नेशनल एग्रीकल्चरल फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, ये आपका कहां पे है, ये आपका रहेगा पंजाब मोहाली में, मोहाली पंजाब, यहां पे पायलट प्रोजेक्ट को भी हमने शुरू किया था। क्लियर है? यहां तक क्लियर है डाटा आपका? चलें, अब मैं यहां पे थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, स्पेस नहीं था वहां पे। अगर मैं ये बात करूं आपकी, जो हमने रिसेंटली टेक्नोलॉजी की बात की है, दिस इज योर टॉरेफेक्शन, ये है क्या चीज, कहते इज अ थर्मल प्रोसेस,
ये एक आपका स्टूडेंट्स थर्मल प्रोसेस है टू कन्वर्ट, कन्वर्ट कर देगा किसको, टू कन्वर्ट बायोमास इनटू अ कोल लाइक मटेरियल। प्लीज स्टूडेंट्स ये डाटा अंडरलाइन कर लो, एड ऑन रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्लियर। यहां लिखा एक्सपेंशन की गई स्कीम्स में लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा में भी फॉर हार्वेस्टिंग एंड द कॉम्पोजिटिंग ऑफ स्टबल विल हेल्प टू रिजॉल्व द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टबल बर्निंग। तो अनएम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करेगी, स्टबल बर्निंग को भी रोकने में हेल्प कर देगी। यहां पर लिखा establishment of farm machinery banks for custom hiring of in situ crops residue management industries। ये आपके steps हैं जो government उठा रही है stubble burning को रोकने के लिए। Next आया last point, the financial incentives to small and the marginal farmers will help to engage in the management of the residue of non basmati variety rice crops in Punjab, Haryana and the UP। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? तो हम लोग अपना ये सेशन यहीं तक रोकते हैं। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, और मैं आशा करूंगा आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।